भारत की प्रथम रोबोटिक गैलरी अहमदाबाद गुजरात साइंस सिटी में आपका स्वागत है। परिसर में घुसते ही आपका प्रथम परिचय इस 25 फीट ऊंचे विशाल रोबोट से होता है, जिसने 150 फीट व्यास के एक सुनहले वृत्ताकार फ्लूडिक स्ट्रक्चर को उठाया हुआ है। ये तकनीकी की दिशा में भारत के बढ़ते वर्चस्व एवं सुनहले भविष्य को दर्शाता है। भवन का वास्तु डिजिटल आर्किटेक्चर से प्रेरित है। इसका एल्यूमिनियम और कॉपर का मेटलिक बाह्य आवरण एवं आपातकालीन द्वारों पर लगे सर्किट पैटर्न म्यूरल्स तकनीकी के प्रसार को दर्शाते हैं। भवन के चारों तरफ बैटरी ऑपरेटेड स्वचालित कारों का ट्रैक है। आगंतुक इसमें बैठकर आने वाले क्रांतिकारी बदलाव का अनुभव कर सकते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं गैलरी के मुख्य आकर्षण रोबो कैफे में। यहाँ आप रोबो शेफ्स के द्वारा बनाए एवं रोबो वेटर्स के द्वारा परोसे स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। गैलरी के अंदर आपके स्वागत एवं मार्गदर्शन के लिए रोबो रिसेप्शनिस्ट और रोबो गाइड्स हैं। एक रोबो गाइड के साथ 30 लोग ही अंदर जा सकते हैं। चिंता मत कीजिए, आपकी अपनी बारी का इंतजार करते हुए आपकी तस्वीर बनाने के लिए एट्रियम में रोबो पेंटर्स हैं और 3D प्रिंटिंग से अपनी मूर्ति बनवाने के लिए 3D स्कैनर्स लगे हैं। हमारी पहली गैलरी है हिस्ट्री गैलरी। इसमें प्रारंभ से अब तक रोबोट्स के विकास के प्रमुख घटनाओं की जानकारी दी जाती है। स्पोर्टोमैनिया। इस गैलरी में आगंतुकों का परिचय फुटबॉल खेलते हुए रोबोट्स, बैडमिंटन खेलते हुए रोबोट्स तथा मल्ल युद्ध करते हुए रोबोट्स से होगा। इस गैलरी में आगंतुक न ही सिर्फ इन रोबोट्स को देख पाएंगे बल्कि इनकी कार्य प्रणाली को भी जान पाएंगे। बॉट यूटिलिटी। अब हम इस गैलरी में प्रवेश करेंगे। बॉट यूटिलिटी, यह शब्द रोबोट तथा यूटिलिटी के संगम से बना है। यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता, अतः इस गैलरी में उपयोगिता के आधार पर रोबोट्स का वर्गीकरण किया गया है। टेरेन रोबोट, रोबोट जो किसी भी तरह के टेरेन में चलने में सक्षम है। मेडिकल साइंस रोबोट, चिकित्सा विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले रोबोट्स। सर्च एंड रेस्क्यू रोबोट्स, बचाव कार्य में उपयोग किए जाने वाले रोबोट। स्पेस रोबोट्स, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उपयोग किए जाने वाले रोबोट। इंडस्ट्री एंड प्रिसीजन रोबोट, कारखानों एवं विनिर्माण कार्यों में उपयोग किए जाने वाले रोबोट। डोमेस्टिक रोबोट, एग्रीकल्चर रोबोट। मिलिट्री रोबोट, माइक्रो एंड नैनो रोबोट। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रोबोट। रोबो नाट्य मंडल। अरे, यहाँ तो रोबोट नृत्य और संगीत में डूबे हैं। आइए हम सब भी इसी में जुड़ जाते हैं। इंडोबॉट। इस गैलरी में भारत में निर्मित विभिन्न रोबोट्स का प्रदर्शन है। ये तो एक छोटा सा पुल है। रोबो पेट डॉग, रोबो कैट्स,
रोबो डॉल्स, ज्ञान एवं मनोरंजन के जरिए विद्यार्थियों शोधकर्ताओं को ही नहीं अपितु सब जन साधारण को आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक से जोड़ने की गुजरात सरकार की ये अनोखी पहल है। 125 करोड़ की लागत से बनने वाली 10,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में 3 तलों में फैली इस गैलरी में 55 विभिन्न प्रकार के रोबोट्स को 11 विभिन्न प्रकार की गैलरियों में प्रदर्शित किया गया है। पुनः फिर आइएगा और हमारे रोबो एग्जीबिशन हॉल में लगने वाली साल भर आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लीजिएगा।